आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम चर्चा करते हैं एक्सप्लो सॉल्यूशन लिमिटेड के बारे में। क्या इस कंपनी में कोई फ्रॉड चल रहा है स्टॉक मार्केट के रेफरेंस में? पूरा विश्लेषण करेंगे, क्यों कह रहे हैं और क्यों सतर्क कर रहे हैं आप रिटेल इन्वेस्टर को ऐसे कंपनी से बचने के लिए, पूरा विश्लेषण करके समझाते हैं। ये देखिए, अगर इसके हिस्टोरिकल चार्ट को देखा जाए तो इसका प्राइस बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट कर रहा है। इसका हाई प्राइस देखा जाए तो 1291 से गिरकर 1112 हो गया था और उसके बाद में ये बढ़कर 630 तक चला गया है। तो इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन होने के लिए या तो कंपनी के पास बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट एकदम 6 गुना इनकमिंग वॉल्यूम हो जाए या फिर कंपनी में कोई प्रॉब्लम चल रही है वॉल्यूम के रेफरेंस में। स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन बहुत अच्छे से हो सकता है अगर कंपनी कोई पेनी स्टॉक कंपनी है। तो आपको ऐसी कंपनी में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। अगर किसी ने 1200 रुपए के आसपास शेयर खरीदा है तो अभी उसका 50% कैपिटल रह गई है। तो आपको ये चीज समझनी है दोस्तों कि इस तरह से मैनिपुलेशन कंपनीज का होता है। हम चार्ट पर दिखाते हैं जरा आपको। अगर देखें तो देखिए 2016 में इसका भाव करीब करीब 1200 रुपए के आसपास था, वहां से गिरकर ये मार्च का कोविड लो जो बनाया है वो 125 112 तक चला गया था। तो ये बहुत ज्यादा वैल्यू इरोड हो चुकी थी इसकी यहां पर और फिर एकदम ऑल ऑफ सडन इसमें फिर से वॉल्यूम में स्पर्ट आया। अगर देखें यहां पर वॉल्यूम के बेसिस पर और यहां से फिर इसने ऊपर जाने के तरीका शुरू किया है। तो ये एक थोड़ा सा डरावना वाला पोजीशन बनता है जब भी ऐसे तरह के हमारे कुछ व्यूअर्स हमसे क्वेश्चन पूछते हैं इसके बारे में। तो इसलिए ये मुहिम है थोड़ा उनको समझाने के लिए। हम खुद आईटी कंपनी से हैं तो हमें पूरा एक्सपीरियंस आईटी कंपनी के बारे में, हमने पहले आईटी कंपनी में काम किया है तो इसलिए हम आपको ये सारी डिटेल बता सकते हैं। आपको शायद पता ही हो हर्षद मेहता के टाइम पर भी बहुत सारे फ्रॉड हुए थे जिसमें वॉल्यूम बहुत फ्लक्चुएट किया जाता था और साथ ही साथ में दिखाया जाता था कि ये कंपनी बहुत तेजी से ऊपर बढ़ेगी। सेम केस हुआ था केतन पारिक के टाइम पर भी। लिक्विडिटी अवेलेबल होने की वजह से ये सब बहुत इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। अब अगर इसकी आज की तारीख में जहां प्राइस इसका 512 रुपए चल रहा है, इसकी मार्केट कैप देखी जाए तो 525 करोड़ की कंपनी है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी या फिर पेनी स्टॉक कह सकते हैं आप इसको। कोई डिविडेंड नहीं देती है, डिविडेंड यील्ड कुछ नहीं है इसका। और अगर इंडस्ट्री पीई को भी कंपेयर किया जाए तो इंडस्ट्री का जहां पर 27 का पीई है, इसका पीई महज 12 है। तो जब भी कुछ लोग कहते हैं कि लोअर पीई है तो अच्छा है, आप समझिए दोस्तों, पीई जब तक कंपनी का इंडस्ट्री पीई के एवरेज के साथ एवरेज मैच नहीं करता है तो बहुत खराब सिचुएशन होती है। जब ये प्राइस इसका बढ़ जाता है तो ये प्राइस इंडस्ट्री के प्राइस के क्लोज आ जाता है, पर उसके बाद में नॉर्मली ये काफ़ी नीचे चला जाता है। जब अगर आप इसको देखेंगे तो पीई अर्निंग में कोई ज़्यादा फर्क नहीं हुआ था, प्राइस इसका 125 भी हो गया था तो उस टाइम पर ये पीई और भी कम हो चुका था। तो आपको ये सब चीज़ें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस के बेसिस पर समझ में आएंगी जो हम यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कंपनी का देखें तो कंपनी ऐसी बुरी नहीं है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें, कंपनी बढ़िया कंपनी है। इसकी वेरियस इंडस्ट्रीज़ में उन्होंने अपना सेगमेंट किया है, BFSI सेगमेंट में है, हेल्थ केयर में है, इंश्योरेंस में है, पब्लिक सेक्टर में है, एरोनॉटिक्स में है, तो उस हिसाब से डिफेंस में है, तो ये बहुत अच्छा इनका काम है। और सर्विसेज में कंसल्टिंग प्रोवाइड करती है, इंजीनियरिंग प्रोवाइड करती है, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोवाइड करती है, तो ये बहुत वाइड स्प्रेड पोर्टफोलियो है इनका उस हिसाब से देखा जाए। पर वैल्यूएशन में इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन होना कोई अच्छा साइन नहीं है। अगर आप यहाँ पर सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर देखें तो सुपर ट्रेंड के बेसिस पर इसने अभी तक बाय सिग्नल मेंटेन किया हुआ है जब से कोविड का लेवल मेंटेन किया था। और अगर ये 505 के नीचे किसी दिन बंद होता है तो वहां से फिर वो सेल सिग्नल शुरू हो जाएगा इसका। आप ये बात समझिए, ये जो वॉल्यूम स्पर्ट आ रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर ये इंक्रीज हो रहा है, थोड़ा सा एक अंदेशा जताता है। जब भी इस तरह के वॉल्यूम देखिए, पहले वॉल्यूम बहुत लो चल रहे थे, उसके बाद नीचे गिरा तो वहाँ पर भी वॉल्यूम ठीक ठाक रहे, पर यहाँ से फिर वॉल्यूम बहुत तेज़ी से उठने शुरू हुए हैं, तो थोड़ा सा आपको सतर्क कर रहे हैं। अगर मार्केट गिरता है तो ये स्टॉक और ज़्यादा गिर सकता है और अपने लेवल पर नीचे जा सकता है, तो आपको थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है ऐसे स्टॉक में। अगर इसके सेल्स की देखी जाए तो सेल्स में कोई फर्क नहीं हो रहा है, तो इतना फ्लक्चुएशन की कोई जरूरत नहीं है इस स्टॉक में। पिछले 5 क्वार्टर का कभी भी नंबर देखें तो 75 हाई है और 65 लो है सेल्स के रेफरेंस में। वहीं प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो 8 की लो प्रॉफिटेबिलिटी है और हाई जो प्रॉफिटेबिलिटी है, नेट प्रॉफिट है, तो वो 14 के आसपास है। अब क्यों कह रहे हैं मैनिपुलेशन ज्यादा हो सकता है, तो समझिए जरा। प्रमोटर होल्डिंग महज 56% है यहाँ पर। DII में होल्डिंग अदर DII की है, तो ना तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की है किसी की, ना इंश्योरेंस कंपनी की है, ना म्यूचुअल फंड की है, ना FII की है। तो जो अदर DII है और रिटेल सेगमेंट है वो इसमें मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स है। तो यहां पर क्या होता है, आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपने स्टॉक खरीदा हुआ है तो अच्छी बात है और लोअर लेवल पर खरीदा है, पर अगर आप किसी तरह से हायर लेवल पर स्टक हो गए हैं तो जो आपके
सामने अपोजिट अपोनेंट खड़े हैं, प्रमोटर तो अपने स्टिक बेचते नहीं है, जो आपके सामने खड़े हैं वो बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, आपको थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है ऐसे स्टॉक में। अगर देखें, हमने हमेशा अपने चैनल पर 5x5 रूल को अप्लाई करने के लिए बोला, अगर पेनी स्टॉक में करते हैं तो कम से कम आपको अवेलेबल कैपिटल का 2% से ज़्यादा नहीं इंप्लीमेंट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1,00,000 की कैपिटल है तो आप 2,000 से ज़्यादा इस ऐसी कंपनी में प्लीज़ इन्वेस्ट मत कीजिएगा, और किसी मिड कैप या फिर स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करें तो कम से कम 5 ऐसी कंपनीज को सेलेक्ट कीजिए, तब उनमें इन्वेस्ट कीजिए, एक अकेले में कभी भी अपना पैसा मत लगाइए। वेल्थ क्रिएशन एक लंबा प्रोसेस है, आपको 80% इन्वेस्टमेंट करना है, 20% से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, हम इंट्राडे ट्रेडिंग की एक्टिव ट्रेडिंग करते हैं, अगर आपको चाहिए सर्विस तो आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं, वी विल प्रोवाइड यू हेल्प। तो देखिए यहाँ पर मैनिपुलेशन बहुत आसान होता है पेनी स्टॉक में, वॉल्यूम आराम से क्रिएट किया जा सकता है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो देखिए बुलिंजर बैंड के बेसिस पर भी यहाँ पर देख रहे हैं कि वॉल्यूम के साथ में ये एक स्पर्ट दिखाते हैं जहां पर इंक्रीमेंट होता है। देखिए यहां से बहुत अच्छा कंसोलिडेशन किया, उसके बाद बहुत अच्छा स्पर्ट दिखाया, तो ये मैनिपुलेशन हो रहा है, इसको थोड़ा सा आपको सावधान होने की जरूरत है हमारे हिसाब से। मैकडी ने पिछले 15 दिनों से इसको सेल सिग्नल लगाया हुआ है, हो सकता है यह फर्दर नीचे चलता रहे यहाँ पे। अभी और इसका पैटर्न जो बन रहा है, अगर चार्ट पर इसका पैटर्न देखेंगे तो एक चैनल बनाना शुरू कर दिया इसने, जो शायद हो सकता है आगे ये चैनल कंटिन्यू रखे एक लोअर लेवल के लिए। जैसे ही इसने 472 का लेवल तोड़ा तो ये नीचे जाने के लिए और ज्यादा तेजी से जाएगा। अब फ्रॉड कैसे होता है समझिए, देखिए एक ब्रोकर है ब्रोकर वन, वो दूसरे ब्रोकर ब्रोकर टू से बात करके रखता है कि मैं इस कंपनी के स्टॉक खरीदना चाहता हूं, आप कुछ पहले मार्केट से खरीद के रखें अपने पास में और फिर उनको बेचेगा नहीं, तो जो भी मिलते रहेंगे दोनों मिलके भाई खरीदते रहेंगे, अभी यहाँ पर सारे मार्केट से सप्लाई खत्म कर देते हैं, तो जब सप्लाई खत्म हो जाती है डिमांड ही रह जाती है तो प्राइस अपने आप बढ़ने लगता है, फिर तीसरे ब्रोकर को बुलाया जाता है मार्केट में, ये आपस में अपने शेयर ब्रोकर वन ब्रोकर टू ब्रोकर थ्री को शेयर बेचेंगे, ब्रोकर थ्री सारे शेयर खरीदता रहेगा, पहले ही प्लान रहता है उनका, और उसके बाद में एक अप्रोप्रिएट लेवल पर ब्रोकर वन निकल चुका है ब्रोकर टू निकल चुका है ब्रोकर थ्री जो है वो पब्लिक को दिखाना चाहेगा कि यहाँ पैसा बहुत ज्यादा बनेगा स्टॉक में आप खरीदिए, धीरे धीरे पब्लिक आएगी और ब्रोकर थ्री भी वहां से निकल जाएगा, एट द एंड ब्रोकर के पास कोई स्टॉक शेयर नहीं बचा है, सारे के सारे पब्लिक के पास शेयर आ गया हायर प्राइस पर। तो ये इस तरह से फ्रॉड होता है, आप थोड़ा सावधान रहिएगा। सेक्टर आपको अपने मल्टीपल सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना होता है, एलोकेशन भी इस तरह रखिए कि पेनी स्टॉक में 2%, मिड कैप में 5% और लार्ज कैप में 10%। हमेशा कैश एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में होना चाहिए आपका, उससे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और वो आपकी कंटिजेंसी की तरह से भी काम करता है। अब अगर इस कंपनी की वैल्यूएशन देखी जाए तो देखिए वैल्यूएशन अंडर वैल्यू वो रेंज है जहां पर अगर मार्केट कभी आता है तो आप चाहें तो इसको फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, 70 रुपये से 180 रुपये की रेंज हमारे हिसाब से ये अंडर वैल्यू रेंज है। फेयर वैल्यू वो रेंज है जहां पर ये ज़्यादा समय स्पेंड करेगा अपना, 250 से 450 की रेंज है हमारे हिसाब से इसकी फेयर वैल्यू, अभी ये फेयर वैल्यू से बाहर निकला हुआ है। ओवर वैल्यूएशन वो रेंज है जहां पर अगर ये स्टॉक है तो वहां से नीचे जाएगा, 550 से 800 की रेंज जो है वो इसकी नीचे की रेंज जानी चाहिए, अभी ये 550 से थोड़ा सा नीचे आ चुका है तो ओवर वैल्यू में था, वहां से भी ये निकल चुका है और हो सकता है नीचे की तरफ को जाए। तो अगर आप खरीदना भी है तो आप इसको अंडर वैल्यू में खरीदिएगा, ओवर वैल्यू में मत खरीदिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, हमारी मुहिम है, हम यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर को जागरूक करना चाहते हैं, एजुकेट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। अगर आपको कोई कमेंट है तो प्लीज़ फीडबैक भी दीजिएगा। जय हिंद जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो, बाय गाइस।